भाजपा की रैली में खाली पड़ी रही कुर्सियां भाषण छोड़ भाग निकले हजारों हजार लोग। जी आपको बताया चले कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वही भाजपा तो 400 पार का नारा लगातार हर रैली में कहते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत भाजपाइयों को देखने को मिल रही है आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपको बताया चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भारी विरोध देखने को मिला है। उनकी एक सभा में लोग भाषण छोड़कर जाने लगे हैं। भरे मन से नायब सैनी भाषण देते हुए नजर आ रहे, लेकिन मैदान में लोगों से ज्यादा खाली कुर्सियां नजर आ रही है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वह भी मैदान छोड़कर नायब सैनी के भाषण से मुंह मोड़ते हुए वापस जाते हुए दिखाई दे रहे। सबसे पहले आपको ये पूरा वीडियो दिखा देते है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई हिम्मत रखता है तो नरेंद्र मोदी रखता है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान को भी जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों किया। मैं आप लोगों से आज ये अपील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि बहुत सारे काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए और लगातार हमारी सरकार इस देश के अंदर लगातार विकास की एक नई गति देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है और उन्होंने संकल्प लिया है कि बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को जिंद की नया अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली में पहुंचे थे। जिंद रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी, अपनी पार्टी का जमकर गुणगान किया, लेकिन जनता ने नायब सैनी से नाखुश दिखाई दी और भाषण छोड़कर वापस लौटने लगे। जी हां आपको बताया चले कि यह वीडियो समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। इस वीडियो को धाकर ताऊ के द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा गया कि हरियाणा में हालत खराब है, भाजपा के गांव में प्रत्याशियों का लगातार विरोध हो रहा है, रैलियों में भाषण सुनती खाली कुर्सियां, भाजपा के पास अब बस गोदी मीडिया और आईटी सेल द्वारा प्रायोजित भौकाल ही बचा है, बाकी धरातल पर जनता इन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है। फिलहाल वायरल हो रहे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टैक्स से हर्षराज की रिपोर्ट।